हाय दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का अपने चैनल ड्रीम जॉब विथ अंकित में स्वागत करता हूँ। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह वीडियो SSC GD और दिल्ली पुलिस और SSC के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, अम्ल के बारे में जानने वाले हैं कि कौन से फल में या किस चीज़ में कौन सा अम्ल मिलता है। तो देखते हैं, जैसे मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल किस में मिलता है? सेब में मिलता है, नींबू में कुछ मात्रा में पाया जाता है मैलिक अम्ल, और पक्के आम में पाया जाता है। सेब नींबू के नींबू में कुछ मात्रा में मैलिक अम्ल पाया जाता है और पक्के आम में भी पाया जाता है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में, अंगूर में, केला में, कच्चा आम में। कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल, पक्का आम में मैलिक अम्ल। अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया है नया क्वेश्चन, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? घास में। और CPO में पूछा गया था लारिक अम्ल, लारिक अम्ल नारियल में पाया जाता है। लारिक अम्ल नारियल में, बेंजोइक अम्ल घास में। एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ठीक, फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल बासी मक्खन में पाया जाता है। अब अगले, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। जहाँ लैक्ट सब संबंधित सब जहाँ भी आ जाए वह दूध से संबंधित होगा। ठीक, जैसे दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर, तो लैक्ट अगर आ गया तो उत्तर उसका दूध से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक, गोभी इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अरिस्टोलोलिक अम्ल अदरक में पाया जाता है। सियालिक अम्ल आँख के आंसू में पाया जाता है। ठीक, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, कृपया वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सल्फेनिक अम्ल प्याज में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाया जाता है। ठीक, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है। प्रोटीन में किस अम्ल का बहुलक होता है? अमीनो अम्ल का। क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन में किस अम्ल का बहुलक होता है, तो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन में। इरुसिक अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। अब देखते हैं खेतियों के प्रकार, कुछ खेतियाँ भी हैं एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती से, पीसीकल्चर मछली से, मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, वर्मीकल्चर केचुआ पालन से, हार्टिकल्चर बागवानी से, ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती से, पामोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट है, पामोलॉजी फल विज्ञान से पाया जाता है, पामो मतलब फल। ठीक, पामोलॉजी फल विज्ञान से। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से, सेरीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनों की खेती से। आर्बरीकल्चर वृक्ष से। ओलिवीकल्चर जैतून से। तो हम इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखे हैं, तो आप यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें।